माँ कहती है कि किसी को सपने में देखो मरते हुए तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, लेकिन सुबह देखे हुए सपने सच हो जाते हैं। और हम नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हो। कुछ नहीं होगा हमको, तुम जाओ और जाकर सो जाओ। बड़े ठाकुर ने तो हमारी बात टाल दी, नहीं भावना की खातिर हमें किसी भी तरह इनसे बात करनी ही होगी। फिक्र कैसे ना करें आपकी, हमारी जिंदगी का हिस्सा है आप, और आप माने चाहे ना माने, नाम के पति पत्नी तो है। साफ साफ बोलो, जब से सासू माँ ने आपको उस लड़की को मारने का काम दिया है आप बहुत परेशान लग रहे हैं। शायद बिना जाने बिना समझे आप किसी की जान ना लेना चाहते हो। देखो ये हमारा और माँ का प्रॉब्लम है, तुमसे एडवाइस नहीं चाहते हैं, समझी? एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हम जानते हैं आप औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। काश हम उस लड़की को जानते तो उसे कह पाते कि कहीं ऐसी जगह जाकर छुप जाए जहां उसे कोई नहीं जानता हो, फिर ना वो आपको मिलती ना आपको उसको मानना पड़ता, और ना ही आपकी माँ की नजरों में आप उनका आदेश डालते। माँ ठाकुरान से बचना इतना आसान नहीं है। नामुमकिन भी नहीं है, अगर सच्चा प्यार साथ हो तो हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है, और फिर छोटी मोटी चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। अगर वो लड़की सच में निर्दोष है तो काश उसे किसी अपने का प्यार बचा ले, और हमारी माँ का हुक्म अधूरा रह जाए। हमारे कहने का ये मतलब नहीं था बड़े ठाकुर, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना ढूंढा जा सके, बस हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर अपने दिल की सुनने की। जब आप अपने दिल की सुनते हैं ना तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अपने घुटने टेक देती है। बड़े ठाकुर, अगर आपको कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े आप बेझिझक हमसे बोल दीजिएगा, और ये हम एक पत्नी के नाते नहीं एक दोस्त के नाते बोल रहे हैं। गुड नाइट। हमको पूरा भरोसा है मालिक, और आप भी पूरा भरोसा रखिए, माँ ठकुराइन बहुत जल्द उस लड़की को मौत के घाट उतार देंगी। जी मालिक, पल पल की खबर देते रहेंगे आप, फिक्र मत कीजिएगा। अच्छा मालिक, रखते हैं। हमारी सोच से कहीं ज्यादा होशियार निकला ये तो, लेकिन हमको भी तुम्हारी कसम है भावना, हम पता करके रहेंगे कि आखिर इसका मालिक तुमको मरवाना क्यों चाहता है। दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या जरूरत था उन आदमियों के पीछे जाने का? आपसे ही सीखा है मां, एक बेकसूर की जान बचाने के लिए अगर 100 दुश्मन भी हाथ से निकल जाए तो ठीक, लेकिन किसी बेकसूर की जान नहीं जानी चाहिए। बड़ा फिक्र हो रहा है एक अनजान लड़की का, हैं? क्या बात है? नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस कंफर्म कर रहे थे कि जो काम हमने हाथ में लिया है वो सही है भी या गलत। ये सब पता करने के लिए मुखबिर नहीं है तुम्हारे, आदमी नहीं है, आदमियों को लगा देते पीछे। और अगर पता ही करना था ना तो ये पता करो कि वो लड़की कहाँ छुपी बैठी है कि हमारे हाथ नहीं आ रही।
उस लड़की को ढूंढो और काम खत्म करो, समझे? रुक जाओ। भाग गई, चेहरा भी नहीं देख पाए इसका। हाँ बेटा, काम हुआ? हाँ, एक बुरी खबर, वो लड़की भाग निकली। लगता है ना कि इसका साथ दे रही है किस्मत, लेकिन कब तक? हमारे आदमी उसके पीछे जा रहे हैं ना। पैसा लिया है हमने इस काम के लिए, जवान दे चुके हैं, काम पूरा नहीं हुआ ना तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। माँ, एक बात और बतानी थी आपको, उसके साथ कोई और भी था। कौन? एक लड़का था। कौन लड़का? जो तुम नहीं जानते हैं उसका भी पता चल जाएगा, ठीक है? एक बात बताइए आप हमको, अनन्या घर पे है क्या? क्यों? माँ, जरूरी है, आप प्लीज देख के बताइए कि अनन्या घर पे है। अनन्या, चलो आरती करते हैं। अरे बिंदिया, अच्छा हुआ तुम यही हो। आज अनन्या और हमारे साथ तुम भी आरती करो। आओ। नहीं बढ़िया माँ, आप लोग कीजिए, हमको कुछ जरूरी काम है, खत्म करके आते हैं। क्या कर रही थी वहां? आपकी मदद। हम आपका और भावना जी का राज जानते हैं। आपको उनको मारने के लिए कहा गया, इसलिए आप पीछे। क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब हमारे लिए? आपने भी तो हमारी जान बचाई, बदले में क्या चाहते थे आप? हमने तुम्हारी जान सिर्फ इसलिए बचाई कि अगर तुम पकड़ी जाती ना तो हमारा राज भी खुल जाता। तुमको भागते हुए देख लिया था। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही हो हमारे लिए? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। हम पहले दिन से देख रहे हैं आपको। आप भावना जी से बहुत प्यार करते हैं, अपने प्यार की इज्जत करते हैं। उस रात आप हमारे कमरे में आए, लेकिन आपने छुआ तक नहीं हमें। तुम खुद फंसी हुई हो, तुम हमारी क्या मदद करो? जब तक कर सकेंगे मदद जरूर करेंगे, क्योंकि इतना जरूर जानते हैं वहां हम अकेले हैं और यहाँ आप। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ दें। मौत का रास्ता चुन रही हो तुम, समझी? जो जिंदगी जी रहे हैं वो मौत से कम नहीं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारी किस्मत है, लेकिन अपनी आंखों के सामने किसी और औरत के साथ गलत नहीं होते देख सकते हैं। ये काम करो, अब तुम यहां से जाओ, इससे पहले कोई यहां पर आ जाए। तुम्हारे दिल में अनन्या के लिए अभी भी जगह है। अब कहीं और की बात कहीं और जोड़ रही। दरअसल बात यह है कि हमें अनन्या के ऊपर शक है। ये देखिए, ये तो अनन्या का है, ये लॉकेट हमें वहां मिला। इतनी हिम्मत उसकी हमारे काम में टांग अड़ा रही है, पर बस अब हम इसको दिखाएंगे असली सास वाला रूप।